हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बेशक आज भी कहा जाता अगर विदेशियों ने हमारे देश को ना लूटा होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने देश की एक ऐसी धरोहर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। इसकी कीर्ति पूरे विश्व भर में फैली हुई है और इतिहासकारों ने इसकी कीमत को केवल अनुमानित किया है, सटीक कीमत के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया। हालांकि इस वक्त ये कहां पर है, किसके पास है, इस पर भी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारी इस धरोहर का नाम मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन इतिहास की उन कीमती वस्तुओं में से है जिसके बारे में किंवदंतियां फैली हुई थी कि ऐसा सिंहासन फिर दूसरा इस संसार में नहीं बना। आखिर क्या था उस सिंहासन में, हीरे जवाहरात या कोई खजाना, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यह प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल है कि मयूर सिंहासन का वास्तविक निर्माता कौन था, लेकिन जैसा कि मुगल इतिहासकारों की परंपरा रही है कि जबरन कब्जाई हुई वस्तु में मनमाफिक परिवर्तन करके उसे अपनी कृति बताने की, जैसा कि ताजमहल के साथ हुआ, वैसा ही हुआ मयूर सिंहासन के साथ भी। इतिहास की पुस्तकों से लेकर इंटरनेट तक हर जगह ये जानकारी फैली हुई है कि सल्तनत में अमन और चैन कायम होने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने मयूर सिंहासन यानी कि तख्त-ए-ताउश का निर्माण कराया। भारतीय संस्कृति की परंपरा में मोर बहुत ही पवित्र पक्षी माना गया है। हमारे देश में इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। यह स्कंद भगवान का वाहन भी है। इस सिंहासन का भी निर्माण इस तरीके से किया गया था कि इस सिंहासन के नीचे थोड़ा पीछे की ओर दो मोर और आगे दोनों बाजुओं पर दो अति सुंदर मोर अपनी चोंच में रंग बिरंगी झिलमिल करती मोतियों की लड़ी को दबाए हुए, अपने पंख फैलाए हुए इस प्रकार दिखाई देते थे मानो ये मोर ही इस सिंहासन के वाहन हों, इसलिए इसका नाम मयूर सिंहासन था। इसके अलावा मुगल बादशाहों के काल में आम जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, विशेष रूप से हिंदुओं की, जिन्हें जजिया कर भी देना पड़ता था। मुगल काल में हिंदू जो ऐसी कलाओं के जानकार एवं संरक्षक थे बहुत ही दयनीय अवस्था में थे, इसलिए उनसे भी मुगल काल में इस प्रकार की कारीगरी की उम्मीद करना थोड़ा कठिन है। यह मयूर सिंहासन भी पहले आगरा के लाल कोट यानी कि लाल किले में था, जिसे मुगल बादशाहों ने जबरन हथियाया था। अपनी ताजपोशी के कुछ ही समय बाद शाहजहां ने मयूर सिंहासन को आगरा से दिल्ली मंगवा लिया था। मयूर सिंहासन 13 गज लंबा, 3 गज चौड़ा, 5 गज ऊंचा था। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल काय रहा होगा। उस समय के हिसाब से 12 करोड़ के केवल रत्न जड़े थे इसमें। इस सिंहासन में अंदर की तरफ पन्ने से बने हुए 5 खंभे लगे थे जिनके ऊपर मीनाकारी का छत्र बना हुआ था। यह पूरा सिंहासन 6 पायों पर स्थापित था जो ठोस सोने के बने हुए थे। अंदर की तरफ पन्ने के बने हुए प्रत्येक खंभों पर दो दो मोर नृत्य करते हुए बनाए गए थे। मोर के प्रत्येक जोड़े के बीच रंग बिरंगे मोती, मणिक, हीरे, पन्ने आदि रत्नों से जड़कर एक पेड़ था। बैठने के स्थान तक पहुंचने के लिए 3 रत्न जड़ी सीढ़ियां थी, उसमें कुल मिलकर 11 चौहटे थी। कलाकृतियों से सजाया हुआ उसका स्वर्ण छत्र तो बिल्कुल अद्भुत था। उस सिंहासन को खींचकर पूरी तरह फैला देने पर सूर्य रश्मियों में उसके झिलमिलाते हुए रत्न किसी आसमानी बहार का वातावरण उपस्थित कर देते थे, जिसे देखने वाले का मुंह पूरा का पूरा खुला रह जाता था। लेकिन जिन अरमानों के साथ शाहजहां ने उसे आगरा से दिल्ली मंगवाया वे पूरे ना हो सके। अभी उसको सिंहासन पर बैठे कुछ ही वर्ष हुए थे कि उसके छोटे बेटे औरंगजेब आलमगीर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दक्षिण में बीजापुर की जंग जीतने के बाद ही औरंगजेब को पुख्ता खबर मिल गई थी कि दिल्ली की गद्दी उसके बड़े भाई दारा शिकोह के हाथ जाने वाली थी, इसलिए लौटते वक्त सीधे दिल्ली न जाकर आगरा में वह रुक गया और वहां से शाहजहां को मिलने अपने पास बुलाया। दारा शिकोह मुफट किस्म का राजा था। दरबार में अक्सर अमीर उमरा को अपमानित कर दिया करता था, जिससे एक बड़ा शासक वर्ग उससे नाराज रहता था। इसके अलावा उसमें वैसी षड्यंत्रकारी बुद्धि न थी जैसी औरंगजेब में थी। इन सब का खामियाजा दारा शिकोह को अपने बेटे के साथ अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां की जिंदगी भी उदासियों से भर दी।
अपने अत्यधिक अत्याचारों की वजह से औरंगजेब का शासनकाल मुगलों का पतन काल सिद्ध हुआ। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राज्याधिकारी हुआ। उसके दुर्भाग्य से उसकी रंगीन महफिलों पर ईरान से चली हुई नादिर शाह नाम की आंधी कहर बनकर टूट पड़ी। यद्यपि मोहम्मद शाह की फौज नादिर शाही फौज से दोगुनी थी, लेकिन उसमें मुख्य लड़ाकों की संख्या कम थी। करनाल के युद्ध में महज 2.5 घंटे में फैसला हो गया था कि अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन नादिर शाह हिंदुस्तान पर राज करने नहीं आया था, उसे केवल अपनी लूट के माल असबाब से मतलब था। नादिर शाह ने पूरे शाही खजाने पर झाड़ू फेर दी और सारे अमीरों को उल्टा लटकवा कर पैसे से खाली करवा लिया। अपनी तमाम लूट घसोट के बाद वह तख्ते ताऊश को भी ईरान ले गया, लेकिन लुटेरे नादिर शाह को उसकी गढ़ फारस में भी चैन न मिला। वहां उसी के खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक अमीर कुर्दा ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसका सारा माल असबाब छीन लिया, जिसमें तख्ते ताऊस भी था। जाहिल लुटेरों ने उस मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताऊस के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। उन जाहिलों को उस सिंहासन की सुंदरता से कोई मतलब नहीं था, उन्हें केवल उसके अंदर जड़े हुए हीरे जवाहरात और स्वर्ण से मतलब था। इस प्रकार से लुटेरी नादिर शाह के जाहिल वंशजों ने उसकी बेरहमी से हत्या करके उसकी भीषण लूट के टुकड़ों को आपस में बांट लिया। समय ने पलटा खाया और ईरान की हुकूमत आगा मोहम्मद शाह के हाथों में चली गई। उसने नादिर शाह के वंशजों को पकड़ पकड़ कर अमानवीय यातनाएं दी और उसने नादिर शाही लूट का सारा माल कहाँ रखा है यह राज भी उगलवा लिया। आगा मोहम्मद शाह ने अपने देश की सर्वश्रेष्ठ जौहरियों को तख्ते ताऊश के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा दिया। जौहरियों ने उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक नया तख्ते ताऊश बनाया, जो वास्तविक मयूर सिंहासन से अलग था, लेकिन आगा मोहम्मद शाह को उनका काम पसंद आया। परंतु इसके बाद फिर से वहां विद्रोहियों द्वारा गृह युद्ध छेड़ दिया गया। इससे पहले कि आगा मोहम्मद शाह नए तख्ते ताऊश पर बैठ पाता, उसे फिर से लूट लिया गया। जुनूनी जाहिल लुटेरों ने फिर से उस तख्ते ताऊश के रत्नों जवाहरातों और स्वर्ण के टुकड़ों को उखाड़ लिया। कहा जाता है कि उन भीषण अत्यंत दुर्लभ और कीमती मड़ियों को भविष्य में फिर कभी काम में लाने की दृष्टि से वहीं समुद्र की अथाह जलराशि में किसी विशेष जगह पर छिपा दिया गया था। छिपाने वाले भीषण यातना देने पर भी उस स्थान का पता नहीं बता सके जहां उन्होंने उसको छिपाया था। भीषण रक्तपात देखने वाले मयूर सिंहासन के खजाने के अवशेष आज भी वहीं समुन्द्र की गहराइयों में सो रहे हैं, मानो कह रहे हों कि इससे अच्छा तो हम निर्जीवों की दुनिया है, जो खुद भी चैन से रहते हैं और दूसरों को भी चैन से रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए, ताकि भविष्य में आने वाली रोचक वीडियो आपसे मिस ना हो।